आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट पे आजम ना बीजेपी रहेगी ना सपा रहेगी। क्या कारण है इसके पीछे का? कारण क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा महंगी हो गई है। बसपा की तरफ ना युवा तो नजर नहीं आ रहा है। अरे पूरे युवा हैं, हम युवा हैं, यहाँ पे युवा हैं, वहाँ पे युवा, अभी एक युवा बोला है, अभी एक युवा और बोले हैं। इनके पास वोट कहाँ है, किस आधार पर ये लोग केंद्र की सत्ता तक? पूरा मुस्लिम तो सपा के पास में है। अभी तो 4 जून के बाद ही इसका निर्णय हो पाएगा कि कौन किसके साथ है। आकाश आनंद बसपा के युवा चेहरे हैं और ये जनता के हितों की बात अपनी जनसभाओं में उठा रहे हैं। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग लालगंज में हैं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनकी रैलियां शुरू है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आकाश आनंद इनका संबोधन जारी है, उनका भाषण लगातार लोग सुन रहे हैं। तपी से धूप बहुत ज्यादा है लेकिन लोगों का जो समर्पण है आकाश आनंद को सुनने का जारी है। अब जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए तमाम जो ये आकाश आनंद की रैलियां हो रही है इसका कितना क्या असर है। साथ ही साथ बहन मायावती की उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां शुरू है, इन तमाम चीजों को लेकर हम यहां पर जो लोग मौजूद है इस रैली को, इस संबोधन को सुनने के लिए जो लोग आए हुए हैं, आकाश आनंद को सुनने के लिए आए हुए, इनकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं तो लोग यहाँ पर आए उनसे पूछेंगे। कहाँ से आया दोस्त? कहाँ से आया? आजमगढ़ से। क्या बताएंगे आकाश आनंद को आप सुन पा रहे हैं, किस तरीके से उनके भाषण को देख रहे हैं, क्या उनके भाषण में खास बात नजर आ रही है? ये बनारस से आ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी के उनके भतीजे हैं। ये निर्देश देने आए हैं कि लालगंज की लोकसभा की इंदु चौधरी जी को यहाँ से बहुमत वोट से जिता रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनानी है। ये हमारी बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का रूप स्वरूप दे, हमारी जनता के 100 लोग देख रहे हैं। सपा की भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, सपा को भी यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं लगता कि अब फिर से एक बार वो अपनी पकड़ जमा रही? नहीं, क्षेत्र में हम लोग देखे हैं, मैं माननीय श्री हीरा लाल गौतमपुर मंत्री जी का लड़का हूँ जो 2 बार विधायक रहे हैं सरायमी से और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं उनका लड़का हूँ और हमारे बड़े भाई भी हैं पीछे और हमारे तमाम लोग भी साथ में आए हैं समर्थक। और हमारे ये लगता है कि यहाँ से बसपा की सीट निकलेगी, समाजवादी या ना भाजपा की कोई है नहीं। तो और भी काफी सारे लोग हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? राकेश कुमार। कहाँ से? आजमगढ़ सदर। क्या कह रहे हैं बहन जी और बहन मायावती की जो रैलियां है और आकाश आनंद की जो रैलियां जो चल रही है, जो बात उनके तरफ से कही जा रही है, क्या खास बात लग रही है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी की भी रैलियां चल रही है जी। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट पे आजम ना बीजेपी रहेगी ना सपा रहेगी। क्या कारण है इसके पीछे का? कारण क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा महंगी हो गई है, सरकारी स्कूलों का हाल खराब है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। आकाश आनंद में क्या खास बात लग रही है, जो मुद्दों को वो उठा रहे? बाकी पार्टियों की तरफ से भी तमाम बातें कही जा रही है। बाकी पार्टियां जो है झूठा वादा कर रही हैं। आकाश आनंद जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन बहन जी के मानवाकांक्षी जी राम जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, वो ना झूठ बोलते हैं ना वो हमारे समाज के साथ वो धोखा नहीं करेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। यहाँ पर साथी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का गमछा भी है गले में जी। क्या लग रहा है बसपा की तरफ ना युवा तो नजर नहीं आ रहा है? अरे पूरे युवा हैं, हम युवा हैं, यहाँ पे युवा हैं, वहाँ पे युवा, अभी एक युवा बोला है, अभी एक युवा और बोले हैं। 2 युवा लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, राहुल जी और अखिलेश जी। जी युवा तो लड़ ही रहे हैं लेकिन हमारे युवा अभी उतर आए हैं, आकाश आनंद जी हमारे युवा के लिए धड़कन। क्या कारण लगता है आकाश जी को पसंद करने का? आकाश आनंद जी बहुत अच्छे नेता हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, क्या लग रही है आपको? देखिए उनकी जो अच्छाइयाँ है बहुत कुछ है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उन्होंने की महंगाइयों पे बातें कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है इसके पे बात कर रहे हैं, यही छोटी छोटी जो बातें हैं कह रहे हैं आकाश आनंद जी। यहाँ पर जो लोग मौजूद है आकाश आनंद की रैली में लगातार चर्चा बातचीत कर रहे हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? निजामाबाद से हैं। क्या नाम है आप? सनातन पटेल। क्या कह रहे हैं आकाश आनंद अभी रैलियों को जो संबोधन कर रहे हैं, बहन मायावती की रैलियां चल रही है, क्या खास बात लग रही है आकाश आनंद को लेकर? अब
आकाश आनंद बसपा के युवा चेहरे हैं और ये जनता के हितों की बात अपनी जनसभाओं में उठा रहे हैं और देशहित की बात कर रहे हैं। तो मेरे समझ से दलित सबको मौका मिला भारत के मुख्य कुर्सी पर, तो आने वाले समय में दलित समाज के हित को जो ज़्यादा मजबूती थे रख सके, ऐसे किसी दलित व्यक्ति को भारत की सत्ता पर आसीन होने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जो गठबंधन चल रहा है पीडीए का, इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो कह रहे हैं कि हम भारत का संविधान बचा सकते हैं, हम मजबूती से लड़ सकते, भागीदारी अब बसपा नहीं दे पा। देखिए इन लोगों ने कई बार केंद्र की सत्ता में सहयोगी रहे और मुझे नहीं लगता कि वहां तक के लोग पहुंच पाएंगे, इसलिए क्या कारण उसके पीछे का? इनके पास वोट कहाँ है, किस आधार पर ये लोग केंद्र की सत्ता तक? पूरा मुस्लिम तो सपा के पास में है। अभी तो 4 जून के बाद ही इसका निर्णय हो पाएगा कि कौन किसके साथ है। ये मोदी जी के भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर विपक्ष को भी इस बार जिता दिया तो महिलाओं के गले का मंगलसूत्र नहीं बचेगा। उनके बयान तो पिछले 10-15 साल से अनेकों बयान आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वो बयान देते रहे। और भी काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से? अमरनाथ गौतम, विधानसभा दीदारगंज, सहजना के प्रधान। बहन जी के भी भाषण आपने सुने, आकाश आनंद के भी भाषण सुन रहे, क्या सबसे बड़ी खासियत लग रही है अब आकाश आनंद को लेकर? आकाश आनंद जो है युवा साथी हैं और इनकी जो वाणी है, अब युवाओं की मामला है, सो शिक्षा का मामला है, रोजगार का मामला है, सारे चीज़ें जो अब बहन जी वो लगभग 70-75 प्लस होंगी, तो अब युवाओं की ज़रूरत है, जो रोजगार की बात करने के लिए युवा ही चाहिए, युवा करे, तो आकाश आनंद जी जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। आकाश आनंद के तरफ से जो बातें उठाई जा रही, क्या लगता है जमीन पर उसका कुछ असर हो पा रहा है? जी, जमीन पे ही आकाश आनंद जी का जो मामला है आएगा और है, वर्तमान में भी चल रहा है। सर एक चीज जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आकाश आनंद के इनके तरफ से जो बातें कही जा रही है, क्या लगता है इससे जो वोट बैंक है इसमें कुछ बढ़ोतरी हो पाएगी, जो बसपा का गिरावट लगा था? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पास अपने चैनल के माध्यम से आए हैं। देखिए आकाश आनंद जी एक युवा नेता हैं और युवाओं में जोश भरने का कार्य कर रहे हैं, ये आपको निश्चित देखने को मिलेगा कि युवा साथी जो जुड़ेंगे उससे, जहां युवा रहता है वहां पर कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो उसी प्रकार से ये युवा हैं और युवा जब जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके पास पड़ोस के लोग और सब जितने लोग जितनी मेहनत करेंगे जरूर जुड़ेंगे लोग। क्या लग रहा है अब बसपा का जो वोट बैंक है इस बार या फिर सीटों में बढ़ोतरी हो पाएगी, 10 से आंकड़ा आगे बढ़ पाएगा? इस बार मुझको लगता है कि 40 सीटें जाएंगी यूपी से। इसके पीछे का कारण मानते हैं आप? इसके पीछे देखिए लोग पिछली गवर्नमेंट से ऊब चुके हैं और जो वादा की है गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट की, हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दी। पहली बात, रोजगार बहुत जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं ध्वस्त होती जा रही है, तो इसलिए बहुत जरूरी है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और जो नहीं मिल पा रहा है तो लोग निश्चित है कि बदलेंगे। तो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आकाश आनंद लगातार चुनावी मैदान में है, अपना संबोधन लगातार जारी रख रहे हैं, क्या इसका असर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तमाम चीजों को हम यहाँ पर चर्चा बातचीत कर। क्या नाम है, कहाँ से? चलिए, क्या नाम है सर, कहाँ से? प्रतीक सिंह, नाम मऊ से हम। क्या कहेंगे आकाश आनंद का जो भाषण लगातार चल रहा है, कितना असर हो रहा है इसका जमीन पर, क्या बात पहुंच पा रही है, क्या कुछ हो पाएगा इससे? आए हैं तो जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो जनता को समझेगी उनकी बातों को जी। यहाँ पर संयुक्त रैलियां भी शुरू हो चुकी है सपा और कांग्रेस की, वो भी उसी मुद्दों को उठा रहे हैं जो कहने के आकाश आनंद के।
देखिए मुद्दे तो भाई सरकार के खिलाफ है, तो मुद्दे तो एक ही रहेंगे, सबको ये है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, ठीक है, जो बेरोजगारी है वो खत्म हो, तो मुद्दे तो यही सारे सब लोग कहेंगे। अब इन पे काम कौन करता है इस पे देखने वाली बात है। बड़ा मुद्दा धार्मिक कहने के तौर पर राम मंदिर का है, कितना असर करेगा? तो भाई देखिए एक अलग मुद्दा हो गया, और चुनाव को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो बड़े पैमाने, बीजेपी का तो यही एक मुद्दा अब उनके पास है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाया वैसा, तो भाई उनको यही करना है। बसपा को क्यों वोट करेगा अब उत्तर प्रदेश की जनता, क्या कारण लगता है? बसपा का शासन बढ़िया रहा है, आप किसी से पूछेंगे कि जो 2012 तक शासन था बसपा का वो काफी बेहतर रहा। लेकिन ये भी है ना कि अकेले बलबूते पर किस तरीके से जीत पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल। भाई इसके पहले तो जीती ही है, सरकार बनाई है, तो अभी भी मुमकिन है। चलिए वो तो उत्तर प्रदेश की बात होगी, केंद्र के लिए तो एक बड़ी मजबूती चाहिए। के लिए तो हर स्टेट में जहाँ तक बसपा लड़ रही है चुनाव, हाँ, बाकी सहयोगी पार्टियों से सहयोग मिलेगा तो हो सके सरकार ही बनाए। देखिए आकाश आनंद की जो जनसभा है, उनका संबोधन, उनका भाषण लगातार जारी है, और लोगों के बीच में जाकर लगातार अपने इस तमाम रैलियों के माध्यम से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों को वो सीधा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज लालगंज में आकाश आनंद मौजूद है, और उनकी किस चुनावी सभा में जो लोग यहां पर आए हुए हैं उनसे हमने सीधी बातचीत करने की कोशिश की है कि उनकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, आकाश आनंद बहन मायावती के दिए हुए लगातार बयानों को लेकर वो किस तरीके से देख रहे हैं, इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।